नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके चैनल में। आप जानते हैं कि इस चैनल में प्रतिदिन एक उपाय बताया जाता है। ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, यानी आप पर कोई भी दशा है, आप किसी भी राशि के स्वामी हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जो आज नए हैं वो समझ लें कि आप यह उपाय करने से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। यह उपाय आप सूर्य डूबने से पहले करें तो बहुत अच्छा है, सूर्य डूबने के बाद वाला उपाय यदि होगा तो स्पेशल बताया जाएगा। इसलिए इस उपाय को दिल से कीजिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बहुत लोगों की जिंदगी बदल भी चुकी है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। 12 अक्टूबर 2019 का उपाय अब मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। 12 अक्टूबर 2019 शनिवार है, आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि दिवाली से पहले का प्रत्येक दिन अब अपना ही महत्व रखता है। इसलिए प्रतिदिन उपाय करना बहुत लाभदायक होता है। मुझे बहुत सारे सवाल प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि क्या ये उपाय करने से हमारे ग्रह शांत हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल शांत होते हैं, लाभ मिलता है। बस यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई योग नहीं है तब आपको उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। लाभ तब भी मिलता है परंतु कुछ टाइम के लिए मिलता है, परंतु यदि योग हो तो योग का उपाय परमानेंट किया जाए तो उससे अपने तरीके से लाभ मिलता है। इस उपायों को करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, लोगों की जिंदगी बदल जाती है, परिवार में शांति आती है, धन आने लगता है। मान लीजिए आप पर कोई योग है और वह योग अभी काम नहीं कर रहा है, परंतु यदि आप डेली ये उपाय करते रहते हैं तो आपको लाभ मिलता रहता है। इसलिए ये उपाय आपको करते रहना चाहिए और इनका लाभ आपको लेते रहना चाहिए ताकि जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव आते रहें। अब हम बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर 2019 के उपाय की। तो 12 अक्टूबर 2019 को आपने कोई भी लोहे की वस्तु या सरसों का तेल या दोनों किसी को दान करनी है। अब ये क्या होगी लोहे की वस्तु? आप लोहे की रिंग भी दान कर सकते हैं, आप लोहे की कटोरी दान कर सकते हैं, आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं। जो लोग दान नहीं कर सकते हैं वो शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं, जिनके शनि मंदिर नहीं है वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, जिनके हनुमान जी का मंदिर भी नहीं है वह काले माँ की दाल ले लें और जल प्रवाह कर दें या कीड़े मकोड़ों को डाल दें। तो इस प्रकार से सभी प्रकार मैंने उपाय के बता दिए हैं। आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो ये परमानेंट उपाय यानी जो डेली के उपाय मैं बताता हूँ कि आप रोज़ करें, रोज़ का नया उपाय होता है, इससे हमारे कर्म बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं और जिंदगी में जहाँ परमार्थ संवरता है वहीं ग्रह संवरते हैं, वहीं परिवार में पॉजिटिव वाइब्रेशन आने से परिवार के सदस्यों का भाग्य भी बदलता है। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा, यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप
जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान। नमस्कार।